आ गई गाड़ी आ गई। थैंक यू। लोल हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गाइस थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 450 सब्सक्राइबर्स, ओनली 50 लेफ्ट फॉर 500। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब ऑप्शन एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, ये गेम शुरू से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, आपको ऊपर दिख रहा होगा मेरे 5 किल्स हो चुके हैं। एक ही स्क्वाड आया था जॉर्जियो पोल में, जिसको वाइप करने के बाद मैंने रियलाइज करा कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, तो बिना टाइम वेस्ट करे उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन करी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड मैच। तो मेरे बाकी सारे टीममेट्स मर चुके थे और एक अब मर गए हैं, तो आई सेड चलो सोलो भी स्क्वाड है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड मैच। एक और चीज़ गाइज, लोग मेरे से काफ़ी बार बोलते रहते हैं कि हिटमैन भाई थोड़े गेम प्ले टिप्स तो कैसे इम्प्रूव करें। तो गाइज देखो, मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, बट जितना मेरे को थोड़ा बहुत आता है आज मैं कोशिश करूँगा उसमें से आपको कुछ टिप्स दूँ जो बहुत बेसिक हैं मगर आपको आपका गेम प्ले इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अगर आप उन्हें ध्यान में रख के खेलोगे। तो जॉर्जियो पोल वाइप आउट करने के बाद हम निकल चुके थे बंदे ढूंढने, अकेला बचा था यार, तो सोचा मरेंगे मारेंगे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड किस्मत ने बहुत साथ दिया इस गेम में, बिकॉज मैं पोचिंग की स्क्वाड हाउस गया और उसके बाद पूरे गेम रिमेनिंग सर्कल्स मेरे को ज़्यादा नहीं हिलना पड़ा था। 26 लेफ्ट, 5 किल्स मेरे हो चुके हैं। टिप नंबर 1 गाइस, जब भी आप गाड़ी स्क्वाड हाउस लेके जाते हो प्लीज़ उसे इस तरीके से खड़ा करो कि उसका ड्राइविंग साइड एग्जिट की तरफ फेस कर रहा हो, ताकि आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ से निकलना पड़े तो मेरी तरह आप ऐसे ठोका बिड्डी ना कर रहे हो उस टाइम जब आप पे कोई रश कर रहा है। एंड गाइस इस जगह का थोड़ा भ्रमण करने के बाद हमने रियलाइज़ करा कि एक भूली भटकी आत्मा हमारी तरफ आ रही है कहीं से, एंड ये भाई साहब देखो छुपे। और अब मैं वेट कर रहा था कि इसका कोई ना कोई तो फ्रेंड आएगा, बिकॉज इन भाई साहब को मुक्ति तो मिली नहीं थी, नॉक थे ये, एंड जैसा कि एक्सपेक्ट करा था ये आए इनके फ्रेंड, भाग रहे हैं, बच गए। मगर उसके बाद भी, मतलब उसे पता है कि बंदा है, उसके बाद भी रिवाइव कर रहा, तो ले भाई भुगत। एंड जब एक को मुक्ति का मार्ग मिल चुका था दूसरे वाले को देना तो हमारा फर्ज बनता था ना, तो चेक करने के बाद कि अब और कोई आ रहा है या नहीं हमने डिसाइड करा कि आई थिंक इट विल बी बेटर कि हम इसका दर्द ख़त्म कर दें और इसे अगले मैच में भेज दें। इस टाइम पे ना मेरे दिमाग में गेम में कुछ बहुत ही फनी चल रहा था जो आप सुनो। ज़्यादा बंदे भी नहीं हैं, 17 ही 16 ही हैं, 16 में काश 15 अपने आप में एक दूसरे को मार लें, एक मुझसे बढ़ जाए। और फिर ये हुआ, एक गाड़ी आई, इन बेचारों को उतरने का टाइम भी नहीं मिलने वाला है, बड़ी बुरी जिंदगी है यार। थैंक यू। लोल। और इन्हें लूट कर ही रहा था इतनी देर में एक और स्क्वाड ने मेरे पे पुश करा। अब यहाँ पे गाइस टिप नंबर 2, कभी भी ऐसा होता है आपको पता है सामने वाली बिल्डिंग में रुकेंगे, जितने नेड्स आपके पास हैं सारे स्ट्रेटेजिकली पोजिशन करके वहां फेंक दो। ये हुआ एक बंदा लिटरली एक सेकंड में नॉक। थैंक यू। सामने वाली बिल्डिंग में स्क्वाड को सेटल मत होने दो, क्योंकि वहां से उन्हें प्लानिंग का टाइम मिल जाएगा कि आप पे रश कैसे करना है, और ना ही अपनी पोजिशन एक जगह कॉन्स्टेंट रखो। आप पूरे इस रश सीक्वेंस में देखोगे मैं बार बार अपनी पोजिशन बदल रहा था, ऊपर जाऊंगा अभी देखना दो नेड्स मेरे पास एकदम स्पॉट ऑन गिरे, बट ओनली बिकॉज मैं मूव कर रहा था उन पे ध्यान रखते हुए मैं बच गया। ये आया पहला नेड सामने एकदम बचा, ये रहा दूसरा नेड नीचे बच गया। अब मैं विंडो पे फायर कर रहा था ओनली टू मेक श्योर कि बंदा सेटल ना होता, क्योंकि अगर उसे एकदम टाइम दूंगा ना मैं नेड फेंकने का तो वो मेरे पे स्पॉट ऑन नेड मारेगा, जैसे ये अभी आएगा एक नेड जो एकदम स्पॉट ऑन था, मैं किसी तरह बचाऊं।
सी थोड़ा मैंने डैमेज लिया, बट अब इसके बाद मैंने बैंडेजेस लगाने शुरू करे, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को हील होना था, बट इसलिए बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा पास थे और इन्हें सुनाई देता कि मैं बैंडेजेस लगा रहा हूँ। वही हुआ जो सोचा था, ये बंदा मेरे को बैंडेज लगाते हुए सुन के रश करता है एंड दूसरे वाले के पड़े मुंह पर रटते ही रटते, दो डाउन एज यूजुअल। किसी स्क्वाड में इन लोगों ने अब हल्ला मचा दिया होगा कि भाई आओ आओ आओ। फिर सुनाने के लिए मैंने हील करना शुरू करा, फॉर्चुनेटली हील कंप्लीट भी हो गया एंड ये तीसरे नुबड़े फिर अकेले आ रहे हैं। ये नहीं कि दोनों के दोनों आ जाए मेरे को मारने, ये भाई साहब अकेले आए, इनकी भी वही दुर्दशा हुई और ये आए चौथे अपने यारी का कर्ज उतारने, मगर नहीं कर पाए। तो एक स्क्वाड कंफर्म्ड रीच्ड 14 किल्स एंड उसके बाद हम वहां से बाहर निकल गए। तो 12 से जोन मेरे पे था एंड बिकॉज जोन बहुत ज़्यादा ओपन था तो आई थॉट इट वुड बी अ गुड ऑप्शन कि मैं प्रोन हो जाऊँ बिकॉज कवर ऑब्वियसली कम है इस फील्ड में। अगर आप बैठे हुए हो तो आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप किसी से भी जल्दी स्पॉट होगे एंड यू गोना डाई। तो अच्छा टाइम से दिख गया यार, ये ऊपर था मेरे। टिप नंबर 6 गाइज, प्लीज हमेशा मिनी मैप पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो, वहां से आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है बंदे की। जैसे कि अब एक बंदा मैं देख चुका हूं और वो उसी साइड से आया है यहां पे, सी इजी किल। अरे वेरी नाइस, एक तो वो रहा। और यहां पे मेरे को एक और बंदा दिखा जिसको मैंने ट्राई किया M24 से थोड़ा डैमेज देने का। यहां पे मैं स्पॉट हो चुका था, थोड़ा मैंने मूव करा, अपनी पोजीशन बदली, मगर जोन आ रहा था तो मुझे निकलना तो था ही। अब बिना हील करे, बिना टाइम वेस्ट करे मैं पहले आगे बढ़ा। गाइज यहाँ पे मैंने गलती की थी कि मैंने स्मोक्स यूज नहीं किए, मगर देखो ये बंदा खड़ा हुआ और जैसे मैंने बोला आप उठे आप गए, इसको मैंने नॉक करा। उसके बाद मैं इसी के डायरेक्शन में फायर करता रहा सो दैट ये अब हल्ला मचाए अपने पार्टनर को कि भाई बचा मुझे, और उसी चक्कर में उस बंदे ने अपनी लोकेशन दे दी मेरे को। तो आराम से फिर मैंने हील करा, अपना हील कंप्लीट करके वो मुझे दिख गया एंड ये बंदा फिनिश। 18 किल्स सोलो वर्सेस स्क्वाड, इजी विन। गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक एंड कॉमेंट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।